कहा गया कि जेल में आजम खान थे और अखिलेश यादव मिलने नहीं गए, अस्पताल में भर्ती हैं और जाके मिले हैं, क्या लगता है क्या किस तरह की राजनीति दिखाई दे रही है? यह व्यक्तिगत मामले हैं। आजम खान हमारे संघ पार्टी के बड़े नेता हैं और माननीय अखिलेश यादव बड़े नेता हैं। वह जब जब उनको अवसर मिलता है अपने काम से वह जा कर के मिलते हैं। अभी तो हाल में सीतापुर में भी मिले थे, लखनऊ में भी मुलाकात हुई थी, 2 घंटा लोग 45 मिनट बैठे हुए थे, फिर उनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर दिल्ली जा कर के मिले हैं। यह तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि मिलने और जुलने का जब जब अवसर उनको मिलता है तब तब जो है मिलते हैं। और आजम खां का हमारे पार्टी में बहुत बड़ा सम्मान है और बहुत बड़े नेता हैं जो है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जी के बीच में झड़प हुआ गोबर को लेकर, क्या लगता है कि गोबर से वो क्या इस राजनीति को किधर ले जाना चाहते हैं? देखिए, गाय और गंगा दोनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस शासन में आई, न तो गाय की रक्षा कर पा रही है, गायें जो है कसाईवाड़ा बना बना करके बिना अन्न पानी की छोड़ दी जा रही हैं और उसमें से 2, 4, 10 रोज मर रही हैं, तो न तो गाय की सुरक्षा कर पाई सरकार। और 12,000 करोड़ रुपया जब से बीजेपी की सरकार बनी है गंगा की सफाई के लिए सरकार ने दिया और गंगा में जो प्रदूषण था वो 3 गुना बढ़ गया। तो मेरा ये कहना है कि यह लोग ढोंगी लोग हैं, यह गंगा और गाय के नाम पर जो राजनीति करने के लिए आए न तो गंगा माँ की सफाई कर पाए और न गौ माँ की ये रक्षा कर पा रहे हैं। इनसे जो है समाज को इतना खतरा है, कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि इनका दरोगा थाने में जो महिला पीड़ित होकर के रेप से पीड़ित होकर के थाने में गुहार करने जा रही है, इनका दरोगा थाने में उससे रेप कर दे रहा है। ये घरों में घुस करके लड़कियों को जो है जान से मार करके फांसी के फंदे पर टांग दे रहे हैं। ये किसान जब आंदोलन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर तो किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दे रहे हैं। यह जो है लड़कियों के साथ जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा है तो इनकी लाशें जला दे रहे हैं बिना पोस्टमार्टम के। यह व्यापारियों की हत्या कर दे रहे हैं पैसे के लिए जो है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है इस प्रदेश में, कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ नहीं है और किसानों की जो दुर्दशा है आप देख ही रहे हैं जो है कि सारा गेहूं और धान बिचौलिए खरीद ले गए, इनका क्रय केंद्र नहीं खरीद पाया जो है, बिचौलिए खरीद ले गए और वो विदेश इंपोर्ट कर दिए। और जब इस देश में कमी होगी तो कई गुना दाम पर फिर हमारे देश में जो है बिकने लगेगा जो है। इसलिए इस सरकार से किसी भी संवर्ग को, शिक्षा की दुर्व्यवस्था आप देख लीजिए, 3 साल के अंदर शिक्षा की दुर्व्यवस्था वह हो गई कि बच्चे और अभिभावक जो है बच्चों की स्थिति तो ये है कि वो 3 साल में इतना बैक हो गए कि 3 साल का समय उनका बर्बाद नहीं हुआ बल्कि जो उन्होंने बिना परीक्षा दिए पास उनको कर दिया गया, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बिल्कुल पूरे जीवन से जो है उनका ख़त्म हो गया जो है, पूरा जीवन उनका बर्बाद हो गया। अब वो प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग ही नहीं ले सकते क्योंकि वह बिना पढ़े लिखे जो है फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उनका प्रमोशन कर दिया गया। दो लोकसभा सीटों पे उपचुनाव होना है, क्या लगता है इस बार पार्टी अपने सीट को बचाने में कामयाब रहेगी? देखिए, दोनों सीटें जो है रामपुर की और आजमगढ़ की दोनों समाजवादी गढ़ की सीटें हैं, हमें पूरा पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी अपने पूरे गढ़ को बचाएगी और दोनों सीटें फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगी। प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और राष्ट्रीय कार्य समिति को तय करना है। आज कल जब भी वो प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे, जिसको वो प्रत्याशी बना देंगे, हम लोग दिन रात लगकर उनको जिताने का काम करेंगे।